Assalamualaikum. I'm Rehan Beg. I'm a graphic designer. आज मैं आपको सोशल मीडिया बैनर डिजाइन करके दिखाऊंगा फोटोशॉप में. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी. चलाएंगे स्टार्ट करते हैं. अब मैं सबसे पहले हाउ टू रन सोशल मीडिया बैनर की फाइल ओपन कर रहा हूँ. अब ये ओपन हो रही है. अब ये ओपन हो गई है. हाउ टू डिजाइन अ सोशल मीडिया बैनर इन फोटोशॉप. ये देख रहे हैं मैंने बनाया है. ये देख रहे हैं आप. अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंट्रोल एन दबाऊंगा. अभी हमारा पेज आ चुका है. ये देख रहे हैं आप. हम 300 width 10 inches, 300 height 10 inches. और यहाँ पे हम 300 resolution, पिक्सल इंचेस, 4GB कलर, 8bit एंड व्हाइट कलर. अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट मैंने दबा दिया. अब जब हमारे पे जाने के बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे, इधर मैंने बस सिंपली एक रेक्टेंगल बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ से घुमा दें. अब जब मैंने घुमा दिया है, थोड़ा सा मैं नीचे ले गया, थोड़ा सा इससे मैं ले गया हूँ. फिर मैंने थोड़ा सा यूं किया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाए, थोड़ा सा यहाँ पे कर दे. अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली हमें अब बस क्या करना है, यहाँ से हम ले लेंगे कर्वेचर टूल. कर्वेचर टूल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, F7 मैंने दबा दिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे हम. यहाँ पे प्लस आ रहेगा तो इसको हम नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ. फिर मैंने ले लिया, यहाँ से हम ले लेंगे फिर सिलेक्शन टूल. फिर अब यहाँ पे हमें मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करें. अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैंने घुमा दिया है. घुमाने के बाद सिंपली मैं इसको इस तरफ ले गया हूँ. अब जो हमारा इतना हो गया है, ये देख रहे हैं आप. अब मैं सिंपली क्या करूंगा, फिर मैंने F7 सेलेक्ट किया इसको. फिर सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट, इस एंकर पॉइंट को इसको भी डिलीट, इसको थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ, थोड़ा सा ऐसे मैं ले गया हूँ. ये देख रहे हैं आप. अब मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा मोटा पे ले गया. मोटा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा और पीछे किया, इसको मैं ऐसे ले गया हूँ कुछ इस तरह. हमारा हो गया है, ये देख रहे हैं आप. अब मैंने पीछे सेलेक्ट करता हूँ इनको, फिर मैं इनको घुमा देता हूँ थोड़ा सा. फिर मैंने ले लिया कर्वेचर टूल, अप्लाई. फिर अप्लाई करने के बाद अब मैंने इस एंकर पॉइंट को डिलीट किया, इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ ले गया मैं, थोड़ा सा मैंने यूं करा, फिर थोड़ा सा यूं, फिर मैंने इसको थोड़ा सा फिर से कंट्रोल जेड, थोड़ा सा ऐसे, फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले गया हूँ. आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप. अब मैं सबसे पहले पीछे ले लूंगा रेक्टेंगल टूल. इधर मैंने रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका कलर मैंने दे दिया ग्रीन और बैक स्पेस F7 दबाया. इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, एंटर. इसको मैं ले जाता हूँ. अब ये हमारा हो गया है, ये देख रहे हैं आप. लेकिन अभी भी मेरे कर्व अच्छा नहीं है. तो हम क्या करेंगे, आप सिंपली फिर से इसको मैंने सेलेक्ट करता हूँ. तो मैं इसको डिलीट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा यूं ले गया, डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा यूं ले गया, फिर इसको डिलीट, इसको भी मैं इस तरफ थोड़ा सा नीचे, इसको ये ठीक है हमारा. फिर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे. अब इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप. लेकिन अभी इसको हम फिर से ले लेंगे कर्वेचर टूल. फिर कर्वेचर टूल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करा, इसको मैंने डिलीट किया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको मैं थोड़ा सा यूं, फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं इसको थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ. फिर ले जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऐसे पीछे आगे. फिर मैंने कंट्रोल दबाया सिंपली, सॉरी कंट्रोल नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने घुमा दिया. अब इतना हमारा ठीक है, ये देख रहे हैं आप. अब मैंने सबसे पहले पेंसिल ले लिया हमने. अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसको, मैंने सेलेक्ट करता हूँ, मैंने F7 दबाया, फिर राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाते हैं हम. अब जोड़े
ये देख रहे हैं आप, अब जो हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन आने के बाद मैंने इसको कैंसिल किया, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, फिर इनको थोड़ा सा मैं यूं ले जाता हूँ, फिर ले जाने के बाद मैंने एंटर, फिर मैं एंटर दबाता हूँ, अब ये हमारा हो गया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली अब मैं इस तरफ चला जाता हूँ, अब मैं इधर ले जाने के बाद अब मैंने इसको कॉपी की, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आने के बाद मैंने कॉपी किया, फिर मैंने कंट्रोल टी करता हूँ उनके ऊपर, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले गया हूँ, अब जो हमारा हो रहा है ये देख रहे हैं आप, अब जो हमारा हो गया है, फिर हम सिंपली बस क्या करेंगे, इसको एंटर दबा देंगे, अब जो हो रहा है हमारा, अब जो हमारा हो गया है ये देख रहे हैं आप। अब हम बस को थोड़ा सा और इस तरफ ले जाते हैं, ले जाने के बाद अब हम मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले गया हूँ। बस अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन जाने के बाद अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मैं ले लूंगा सिंपली ग्रेडियंट, तो वाले पैटर्न को हटा देंगे हम। अब पैटर्न को हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने पिछले इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा और बढ़ा दे, ये मुझे रेड नहीं लग रहा है, देखा ये रेड नहीं था, तो हम बस सिंपली थोड़ा और एंटर, अब जो हमारा हो गया है ये देख रहे हैं, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और जूम किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा पीछे किया, बस फिर मैंने ओके किया, इसको मैं इस तरफ ओके, फिर ओके करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने ले लिया कलरेचर टूल, फिर कलरेचर टूल लेने के बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऑल घुमा दूंगा, बस अब बस हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर भी ग्रेडियंट दे देंगे, F7 दबाया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमारा अब हमारे पास आ रहेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद अब ये हमारा आने के बाद अब हम ग्रेडियंट ओवल पे पिलचे गए, पिलचे जाने के बाद इसको मैं थोड़ा पीछे ले गया, पीछे ले जाने सॉरी इसको हम पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाने के बाद इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया इसको, अब जो हमारा हो गया ये देख रहे हैं आप, लेकिन अभी ब्लैक का शेड वहां नहीं रहा है, तो थोड़ा ब्लैक का शेड भी ले आते हैं हम, थोड़ा सा और रेड का शेड भी आना चाहिए, बस फिर मैंने ओके किया, फिर मैंने इधर ओके कर दिया, अभी हमारा हो गया ये देख रहे हैं आप। अब मैंने इसे ब्लीच को सिलेक्ट किया, पहले कलरेचर टूल, फिर कलरेचर टूल लेने के बाद अब सिंपली बस क्या करेंगे, इसको मैंने ले लिया है, ये देख रहे हैं आप, बस डिलीट, इस हंका पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। फिर मैंने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा यूं ले जाता हूँ, अब जो हमारा हो रहा है ये देख रहे हैं, अब ये हमारा हो गया है, फिर मैंने इसको हटा देता हूँ, अब हटाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे ले गया हूँ, फिर ले जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं इसको भाल ले जाता हूँ, बस अब हम सिंपली बस क्या करेंगे आपको बताता हूँ, सिंपली अब बस मैं क्या करूंगा, इसकी मैं बस और दबाता हूँ डुप्लीकेट मैश, इसको मैंने चल, अब मैं क्या करूंगा, बस सिंपली मैंने F7 दबाया, ये जो सेलेक्ट है इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ की तरफ, डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं F7 दबाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैंने कंट्रोल टी किया, फिर मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और फिर बस अब इतना बड़ा करने के बाद हम एंटर दबा देंगे, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाता हूँ, फिर ले जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, बस सिंपली मैं इसको भी अभी इसको नहीं करे, अब हम बस सिंपली क्या करेंगे आपको बताता हूँ, सिंपली अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल टूल, इधर मैं बना दूंगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी घुमा दिया, अब ये हमारा हो रहा है ये देख रहे हैं आप। अब मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ,
बस अब जो मर्ड हो गया ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर ले जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर ले जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट एक और आएगा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। इस तरफ करने के बाद मैंने बस सिंपली एंटर सेलेक्ट करा इसको और बैक स्पेस दबा दिया। अब जो हमारा हो गया है ये देख रहे हैं आप। अब मैंने बस सिंपली दबाने के बाद अब मैंने कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा ऊपर एंटर, अब इतना हमारा ठीक है ये देख रहे हैं आप। अब मैं सिंपली इसको सेलेक्ट किया, मैंने कर्वेचर टूल लिया। कर्वेचर टूल लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। अब ये हो रहा है हमारा, इसको मैं पीछे की तरफ और फिर अब जो हमारा हो गया है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ। ये अभी हो रहा है, जब ये होगा तो आप डरेगा नहीं, ये हटेगा नहीं। अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, इसको मैंने जूम किया बस। अब जूम करने के बाद अब हम बस इसको सिंपली बना देते हैं। मैंने बस कंट्रोल जेड किया पेड़ से, फिर से करने के बाद अब हम थोड़ा सा एंटर, फिर कंट्रोल जी करा मैंने, फिर मैंने बस सिंपली इसको इस मैंने फिर से ले लिया ये। फिर मैंने लेने के बाद कर्वेचर टूल फिर से ले लिया। फिर से लेने के बाद अब हम मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड किया मैंने, जैट करने के बाद अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, डिलीट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करा मैंने, इसको भी डिलीट किया, इस एंकर पॉइंट को भी डिलीट कर दिया। अब जो हमारा हो रहा है ये देख रहे हैं आप। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, अब जो हमारा हो रहा है। फिर मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ, फिर मैं नीचे करता हूँ। फिर नीचे करने के बाद इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाएं। फिर ले जाने के बाद अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, अब मैं बस सिंपली क्या करूंगा, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद अब बस सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको इस तरफ ले गया हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा होल्ड है। फिर अब मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ, अब पीछे की तरफ ले जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, अब जो हमारा हो रहा है। जब तक ये ऐसा होएगा तो आप कोई भी चीज नहीं छू सकते। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले गया हूँ। फिर ले जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करके ऐसे ले जाऊंगा। अब ले जाने के बाद थोड़ा सा ऑल कर दें, फिर यूं करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें। अब जो हमारा हो गया है ये देख रहे हैं आप। अब बस सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने बस सिंपली इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल, इसको मैंने सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैंने बस सिंपली F11 दबाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको मैंने इसको मिनिमाइज किया है और फिर इसको नहीं करना मैं सेलेक्ट। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करा मैंने इसके ऊपर, थोड़ा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा ऐसे कर दें। अब ये हमारा हो रहा है ये देख रहे हैं आप। बस मैंने एंटर दबा दिया। अब हमें एंटर दबाने के बाद क्या करेंगे, अब एंटर दबाने के बाद हम बस सिंपली कर देंगे, फिर से ले लेंगे रेक्टेंगल टूल। लेने के बाद इधर मैं बना दूंगा रेक्टेंगल। बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने हटा दिया है। फिर हटाने के बाद इसको मैं थोड़ा इस तरह, फिर मैं इसको थोड़ा यूं ले गया। फिर मैंने कंट्रोल टी किया, थोड़ा ऊपर घुमा दिया मैंने। घुमाने के बाद थोड़ा सा मैंने यूं कर दिया है। अब हम करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम दे देंगे कर्वेचर टूल। फिर कर्वेचर टूल लेने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा सा यूं किया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद मैंने इस पर यहाँ तक कर दिया। फिर मैंने बस सिंपली इसको थोड़ा सा नीचे ले गया हूँ। फिर नीचे ले जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर,
बाद फिर मैंने बस सिंपली इसको मैं यूं ले गया और इसको मैं थोड़ा सा यूं ले गया हूँ। अब ले जाने के बाद अब मैं बस सिंपली क्या करूंगा, इसको मैंने इस तरफ रख दिया है। अब हम बस सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने F7 दबा दिया, राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन जाने के बाद फिर हम देंगे ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले के बाद अब हम बस सिंपली यहाँ पे रहेंगे। यहाँ से मैंने पूरे ब्लैक को हटा दिया है, फिर हटाने के बाद इतना ठीक है, फिर ओके ओके, फिर ओके करने के बाद मैंने इसको भी हटा दिया है। अब हटाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर से मैंने ले लिया, फिर मैं इसको थोड़ा सा ये आप टूल ले सकते हैं, सिलेक्शन टूल, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ये सेलेक्ट करने के लिए होता है, फिर मैंने कंट्रोल टी किया, फिर थोड़ा सा ऐसे ले गया, फिर थोड़ा मैं पीछे ले गया, फिर मैंने बस एंटर, बस। अब बस हम सिंपली क्या करेंगे आपको बताता हूँ। अब सिंपली ये जो यहाँ पे जाने के बाद ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा ऑडल नाउ, इसको सेलेक्ट किया, हेडफोन्स सॉरी इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए सेलेक्ट, इधर तक मैंने सेलेक्ट किया है, फिर मैं बस डुप्लीकेट करके ले जाता हूँ इस तरफ। इस तरफ ले जाने के बाद मैंने बस सिंपली कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बड़ा करें थोड़ा और बड़ा कर दें, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये जो रेड एंड ब्लैक आ रहा है कलर उसको हम हटा देंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल हमें हेडफोन और ऑडल नाउ और उसको देखना है, उस ब्लैक एंड व्हाइट वाले, ब्लैक एंड रेड वाले को देखना। अब बस हमने सिंपली इसको कर दिया है, ये लंबा हो गया है थोड़ा सा हम लंबा कम कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा सा और कर दे हम कम। अब जो हमारा हो रहा है ये देख रहे हैं आप, थोड़ा हमने यूं कर दिया, फिर थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा और, बस। अब मैंने बस सिंपली एंटर दबाया, छपते हैं। अब जो हमारा हो गया है, फिर करने के बाद अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट करा, इसको नहीं, F7 दबाया हमने, नीचे इसको हम डिलीट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इसको डिलीट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब जो हमारा हो गया है, फिर मैं इसको थोड़ा सा इसको नहीं लेके जाना अकेले में, बस हमें इसको लेके जाना है और इसको, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ रख देता हूँ, फिर थोड़ा सा यूं, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, फिर मैंने अब बस क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, ये देखें यहाँ पे घुमा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं घुमा हुआ, तो हम बस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं बस सिंपली प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसको मैं पूरा घुमा देता हूँ, घुमा दे सबको, पूरा घुमा दे, बस थोड़ा सा और घुमा दें थोड़ा सा, बस। अब बस हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा हो गया है, लेकिन अभी हमें पूरा राउंडेड चाहिए, तो राउंडेड इधर से भी हम कर देंगे, बस। अब बस हम सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, बस। अब हम बस सिंपली क्या करेंगे अब बताता हूँ, इसको मैंने पीछे किया, बस अब इतना ठीक है, लेकिन अभी इसमें मैंने ये भी हटा दिया है, ये देख रहे हैं आप। अब बस सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, फिर करने के बाद बस, फिर मैं बड़ा करने के बाद इतना ठीक है हमारा, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं जू रख देता हूँ, फिर मैंने बस इसको थोड़ा सा और इस तरफ ले जाए, बस। अब ले जाने के बाद अब बस सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैंने और इस तरफ से कम कर दिया, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, अब जमाड़ा हो गया, ये देख रहे हैं आप, बस मैंने एंटर दबा दिया, अब जमाड़ा हो गया, ये देख रहे हैं आप। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मैं इस तरफ ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैंने और बड़ा कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा यूं पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा आगे आगे, फिर मैंने एंटर दबाया, अब जमाड़ हो गया,
ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा यूं बस। अब ये देखिए हमारा बन चुका है हाउ टू डिजाइन, ये देख रहे हैं। ये देख रहे हैं हमारा बन चुका है हाउ टू डिजाइन सोशल मीडिया बैनर। आज का आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जब तक लिए मेरी तरफ से गुड बाय।